सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आज मैं आपके लिए रजवाड़ी खिचड़ी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए रजवाड़ी खिचड़ी बनाने के प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये मैंने मूंग दाल और चावल दोनों को मिक्स किया है। ये मैंने हाफ कटोरी मूंग दाल और चावल को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लिया है। अब हमें इसे पानी के अंदर थोड़ी देर भिगोने के लिए रख रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैं, अगर आपने हाफ कटोरी दाल चावल लिए है तो उसके मुताबिक आपको 1.5 कटोरी जितना पानी ऐड करके इस तरह से ऊपर से ढक्कन बंद करके हमें 15 से 20 मिनट के लिए दाल चावल को अच्छे से भिगोने के लिए रखना है। ये दाल चावल को मैंने 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पानी में भिगो के रेडी किया है। अब हमें रजवाड़ी खिचड़ी बनाने की आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रेशर कुकर लेना है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून राई ऐड करेंगे। अब हमें इसके अंदर हाफ टी स्पून हींग ऐड करनी है। अब इसके अंदर 1 हरी मिर्च, 1 कटी हुई प्याज और 1 कटा हुआ आलू लिया है। सभी को अच्छे से हिला के 2 से 3 मिनट के लिए हमें सौते कर लेना है। और ये मैंने थोड़े से फ्रोजन बीन्स लिए हैं, इसे भी इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार सभी मसाले को सब्जियों के अंदर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हमें ये जो दाल चावल और पानी रेडी किया हुआ है उसे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब देख सकते हो हमारी रजवाड़ी खिचड़ी है वो बहुत ही कलरफुल बनने वाली है। अब ये रेडी है। अब हमें प्रेशर कुकर को बंद करके 4 से 5 विसल तक इसे प्रेशर कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे प्रेशर कुक करें। हमने 4 से 5 विसल लगा ली है और हमारा प्रेशर कुकर है वो भी ठंडा हो गया है। अब हम खोल के एक बार चेक कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारी रजवाड़ी खिचड़ी अब पूरी तरह से रेडी है। तो आइए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारी रजवाड़ी खिचड़ी अब पूरी तरह से रेडी है। इसके ऊपर सबसे लास्ट में हमें 1 टीस्पून घी ऐड कर लेना है। इसे ऐड करने से हमारी खिचड़ी की जो शाइनिंग है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं एकदम कलरफुल और टेस्टी ऐसी रजवाड़ी खिचड़ी पूरी तरह से रेडी है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर से लिख के भेजिए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी रेसिपी मैं लेके आऊँ वो आप तक तुरंत ही पहुँच सके। और बिल्कुल
मेरी जैसी रेसिपी आप भी बना सके। थैंक यू।